सोलन में कोरोना कर्फ्यू चल रहा है, जिसमें 5 घंटे की ढील दी जा रही है, जिसमें सभी तरह की दुकानें खोल दी गई हैं। जैसे ही 2 बजते हैं, सभी दुकानों के बंद करवाने के लिए पुलिस आ जाती है। 2 बजे के बाद शहर में विभिन्न क्षेत्रों में स्थित मदिरा की दुकानें ऑन डिमांड खोली जाती हैं और बिना किसी डर के सरेआम ये मदिरा बेची जा रही है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि इन विक्रेताओं को कानून नाम का कोई डर नहीं है। हद तो इस बात की है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान ये दुकानदार मनमाने दामों पर मदिरा बेचकर चांदी कूट रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इसकी भनक अभी तक पुलिस तक को नहीं लगी है। सोलन के एएसपी अशोक वर्मा को जब इस बारे में अवगत करवाया गया तो उन्होंने कहा कि सोलन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी विभिन्न टीमें शहर में काम कर रही हैं। उन्हें मदिरा की दुकानों के बारे में मीडिया से माध्यम से जानकारी मिली है, जिसके चलते उन्होंने अब सभी टीमों को अलर्ट कर दिया है। जो भी दुकानदार समय अवधि होने के बाद भी अपना व्यवसाय जारी रखेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी नहीं माने तो शराब के ठेकों को सील भी किया जाएगा। सबसे पहले तो जो हमारा स्टाफ है, हमने अपने स्टाफ को ब्रीफ किया है कि जो समय अवधि है उसके बीच में तो उनको कहा ना जाए, लेकिन अगर उसके बावजूद ये खोलते हैं और अंदर से लीकर को देते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और उनका चालान किया जाए, और अगर आवश्यकता हुई तो एक्साइज विभाग से संपर्क करके जो ठेके हैं उनको सील भी किया जाए। अभी ये मामला आज ही ध्यान में आया है, तो इसके लिए जो है थाना स्टाफ को और चौकी स्टाफ को जो है वो सूचित कर दिया है और उनसे कार्रवाई कराई जा रही है। जिला पुलिस सोलन ने पुलिस मुख्यालय पर राउंड द क्लॉक ड्यूटीज लगा रखी हैं, जो शिफ्टों में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, तो उसमें शॉप्स को भी चेक किया जा रहा है कि इसमें भी बंद हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और उसमें से पहले तो नहीं खुली हैं, तो जहाँ जहाँ मामले जो शॉप्स के खुलने के पाए गए वहाँ उनके चालान किए गए हैं और उनको फाइन भी किया गया है।